चलते हैं डाबर राज्य। माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करने पहुंचे हैं। महानदी पैरी और सुदूर के संगम राजिम में माघी पुन्नी मेला का आयोजन लोक भावना परंपरा और पुरातन संस्कृति के अनुरूप किया जा रहा है। आपकी गढ़बो नव छत्तीसगढ़ ध्येय सूत्र से राज्य की संस्कृति महान परंपरा और रीति रिवाजों को एक बार फिर नई पहचान मिली है, जिसे आपने फिर से पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। अरपा पैरी के धार महानदी अपार गीत को राजगीत का दर्जा देकर इस पवित्र त्रिवेणी संगम का मान और गौरव बढ़ाया है। इसके लिए स्थानीय मेला समिति और अंचल से आए हुए श्रद्धालुओं की ओर से आपका साधुवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं यह बताना चाहूंगा कि स्थानीय मेला समिति ने लोगों की जन भावनाओं और पर्यावरण के अनुरूप इस बार भी मुरुम की सड़कें नहीं बनाई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा एवं माननीय प्रभारी मंत्री जी के सतत मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में हमने राजिम माघी पुन्नी मेला के गौरव को लौटाने का प्रयास किया है। अभी तक राजिम माघी पुन्नी मेला का आयोजन राज्य स्तर से होता था। पहली बार मेला की संपूर्ण व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन गरियाबंद को अधिकृत किया गया है। जिला प्रशासन धमतरी एवं रायपुर का भी पूरा सहयोग हमें मिला है। 9 फरवरी से 21 फरवरी तक चलने वाले इस मेला में राज्य के स्थानीय खेलों को विशेष महत्व दिया गया है। राज्य की सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपरा को मंचों के माध्यम से प्रतिदिन सुप्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। मेला में विभिन्न सम्मेलनों के आयोजन को भी इस बार प्राथमिकता दी गई है। दर्शन और श्रद्धा के अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पन सपन सम्मेलन, वन सम्मेलन, मितानीन सम्मेलन, आदिवासी सम्मेलन, किसान और किसान सम्मेलन भी शामिल होने का अवसर मिलेगा। मेला में राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली जन कल्याणकारी योजनाओं का जीवंत प्रदर्शन किया गया है, जिसमें जानकारी देने के साथ साथ लोगों को लाभान्वित भी किया जा रहा है। मेला स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, दाल भात केंद्र और साफ पेयजल की व्यवस्था की गई है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक महोदय एवं सम्मानित जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन और सतत सहयोग से मेला समिति द्वारा इस वर्ष के राजिम माघी पुन्नी मेला के आयोजन को भव्य स्वरूप देने में हम सफल होंगे। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब। अब मैं हमारे राजिम के विधायक माननीय श्री अमितेश शुक्ला जी से निवेदन करूं कि आवाज उद्बोधन दें। राजरचन भगवान की इस पवित्र भूमि पर राजिम पुन्नी मेला के इस महंती कार्यक्रम में बहुत जुझारू तथा गरीबों के बारे में सोचने वाले हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धे प्रातः स्मरणीय आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर अग्निपीठ अधीश्वर मनुष्य श्री रामचंद्र जी महाराज जी, मैं श्री श्रीकांतचंद्र महाराज जी, साधी प्रज्ञा महाराज जी, गोधन महाराज जी, विचार साहेब जी, ब्रह्मपुत्र पुत्र बहन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण श्री कमल साहू जी, कंवर श्री लखमा जी, श्रीमती अमीन बैडिया जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित सांसद सुनील साहू जी, बहुत ही अभिनेत्री हमारे बड़े भाई श्री धनी साहू जी, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी तथा उपस्थित सभी यहाँ पर आदरणीय सभी राज्य और दूर दराज से आए हुए सभी यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालु जन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम स्वागत करें हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जिसने कि 15 साल तक यहाँ पर लगातार बोलने के बाद भी कुछ ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद इन्हें घोषणा करेंगे हम पूरे के पूरे इस जो हमारा ये पुन्नी मेला का जो कार्यक्रम स्थल है, कार्यक्रम मंच है और सब जो है उसको बनवाएंगे, लाखों करोड़ रुपए खर्च करेंगे, उसके लिए हम सब मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे। मैं पिछली बार साहू समाज के कार्यक्रम में आकर
अपनी भावना को प्रदर्शित करा, से श्रद्धा को दिखाना, से आडंबर करना, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देना पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, लगातार आडंबर करा, मगर लगातार हम लोग पूछते रहते थे कि राजन में कुछ आप ऐसा करके दिखाइए, ऐसा ठोस करके दिखाइए जो हमें दिखे, हमें पता चले कि यहाँ पर आप आते हैं इस नदी में, महानदी में, त्रिवेणी संगम में आप करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और पता नहीं चलता पानी आता है, जो है बरसात होती है, मानसून आता है, उसके बाद पूरा पानी में बह जाता है, पता नहीं चलता क्या काम हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी आए इस पूरे राज्य में, पता चले वो जिले की तरफ से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उनने जो है इसको सोचा और इसकी पूरी कल्पना करके ठोस यहाँ पर पूरा पूरा विकास जो है उसकी घोषणा करी, उसके लिए उनको बारम्बार धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे इतनी हजारों सालों की संस्कृति और परंपरा है, त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर लगातार जो है कई चीजें होती रही जिसके बारे में विचार नहीं करा जाता था, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, कुछ पता ही नहीं चलता था क्योंकि, मगर यहाँ पर उन सब भावनाओं के हिसाब से, हमारे जो लोग हैं उनकी भावनाओं के हिसाब से पूरा यहाँ पर काम किया गया। स्थानीय जो संत महात्मा है, आज मुझे आज बहुत आनंद आता है, किसी कारण से रामचंद्र दास जी नहीं आ पाए, मगर आज रामचंद्र दास जी, गोवर्धन महाराज जी और सब ऐसे लोगों का नाम यहाँ पर अगर इस कार्ड में छपा है तो मैं उनके लिए उनको भी साधुवाद देता हूँ। हमारे भूपेश बघेल जी को, उनने हमारे स्थानीय संतों को, महात्माओं को वो स्थान दिया, वो उनको सम्मान दिया जो हमारे राज्य के और हमारे पूरे गरियाबंद जिले के लोगों को महसूस होता था कि हमारे साधु संत जो है स्थानीय, उनको भी बहुत ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पर जो है लगातार हो रही है, पूरी भावना के हिसाब से कि आडंबर ना हो, किसी तरीके का आडंबर, किसी तरह का यहाँ पर दिखावा ना हो, वास्तव में जो श्रद्धालु और जो स्थानीय जो यहाँ पर हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है, संस्कृति है, जितने भी कार्यक्रम होने वाले हैं और परंपरा संस्कृति के हिसाब से निश्चित रूप से वो जो होंगे उससे दिखेगा कि हमारे भूपेश भाई और पूरे पूरे हमारी ये सरकार है कितना ज्यादा स्थानीय हमारी संस्कृति ये परंपरा उसको बढ़ाना चाहती है, उसका उद्देश्य भी आने वाले समय में आपको मिलेगा। मैं यहाँ पर विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ हमारे कामरेज भाई को भी, उन्हें स्वयं लगातार घूमकर, लगातार पैदल चल चल कर, इन्हीं कारणों से हमारे मुख्यमंत्री जी लेट हो गए, नहीं तो निश्चित रूप से हम लोग उन्हें यहाँ से ले जाते कुलेश्वर महाराज के पास और उसमें जो है बैलगाड़ी में ले जाते, ये हम लोग का सोचा था कि बैलगाड़ी में जाएंगे, क्योंकि भूपेश भाई जो है वो हर चीज जानते हैं, भौरा जो है चलाने से लेकर वो बैलगाड़ी को भी पूरी तरह चला सकते हैं, चाहे वो सरकारी की बैलगाड़ी हो चाहे यहाँ पर हम लोग जो बैलगाड़ी में बैठ के जाए उसमें हो, सब पारंग में हर चीज में निश्चित रूप से सब चीजों को जानते हैं, क्योंकि बहुत उन्होंने देखा है, जो कहना चाहिए वास्तव में जो नीचे से जमीन से उठा हुआ जो आदमी रहता है, जो गरीबी को, उनकी तकलीफ को देखा रहता है, महसूस करता है, तो उसको महसूस कर सकता है, उस हिसाब से सदैव वो काम करते हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्हें यहाँ पर राज्य में आकर हम लोग को गौरव बढ़ाया, और मैं आशा करता हूँ कि एक अंतिम चीज जो बची है उसको निश्चित रूप से वो समाप्त करेंगे, वैसे तो उनका उद्देश्य है, क्योंकि उन्होंने तो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बोला है कि यहाँ पर शराबबंदी होगी, किसी कारणों से नहीं हो पा रही, मगर निश्चित रूप से यहाँ पर 15 दिन तक शराब बंद रहेगी, ये निश्चित रूप से जो हम लोग चाहते हैं और निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है। और कम से कम मैं हरदम इस बात को बोलता हूँ कि जो मेला है उसमें भी कम से कम पूरी तरह से मांस मदिरा बंद रहना चाहिए, उसका निश्चित रूप से अपना आदेश देकर उसको भी पूरा करेंगे। जो प्रेम और स्नेह सदैव आप लोगों ने दिया है वो प्रेम इसमें कायम रहे, बहुत आगे जाना है हमारे भूपेश भाई को, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आप लोगों का प्रेम इससे बना रहे, एक परिवार के सदस्य के रूप में जिस तरह से हम लोग रहते हैं और वो हम लोग सदैव रहेंगे। और अभी पंच और सरपंच सम्मेलन भी हुआ था, उसमें मैंने इस बात को बोला था, कोई भी बात हो आप लोग निश्चित रूप से मुझे बताएं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम भूपेश भाई को बता के आपके उन समस्याओं को निराकरण करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आमंत्रित कर हूँ माननीय विधायक अभनपुर श्री धनेन्द्र साहू जी। बोलिए, श्रीमद राजेंद्र चंद भगवान की जय।
बोलिए कुलेश्वरनाथ महादेव की जय, बोलिए त्रिवेणी संगम महानदी की जय। आज हमारे बहुत ही छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च तीर्थ राजीव की पावन धरा में यहां उपस्थित हमार आज ये हमार बहुत ही पौराणिक आयोजन, बहुत ही प्राचीन आयोजन माघी पुण्य मेला के आज आयोजन में मुख्य अतिथि हमार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमार किसान गरीब मजदूर मन के मसीहा आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, साथ ही यहां उपस्थित सब सौभाग्य से हमर आए हुए अमरकंटक श्री आचार्य महामंडलेश्वर अग्निपीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि श्री रामकृष्णन जी महाराज जी, आदरणीय या महान साध्वी प्रज्ञा भारती जी, आदरणीय संत श्री गोवर्धन सरन महाराज, श्री गट्टी आश्रम जी, कबीर आश्रम नवापारा के परम पूजनीय संत श्री विचार साहेब जी, नवापारा से ही ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी, साथ ही मंचस्थ सब हमार बहुत ही पूजनीय संतगण और हमार छत्तीसगढ़ शासन के सम्मानित लोक निर्माण धर्मस्व पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, साथ ही हमार आदरणीय वाणिज्य मंत्री श्री कवासी लखमा जी, साथ ही संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री अमरजीत भगत जी, हमार बीच उपस्थित यहाँ महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी, पूर्व सांसद श्री चंदूलाल साहू जी, हमारे यहाँ के सम्मानित विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अमितेश शुक्ला जी, हमारे सिहावा विधायक आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी, साथ ही विधायक श्री राम कुमार यादव जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय धनराज मध्यानी जी, नगर पालिका अध्यक्ष नगर पंचायत बहन श्रीमती रेखा राजू सोनकर जी, साथ ही उपस्थित सब हमार सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भाई गिरीश देवांगन जी, महासमुंद विधायक भाई विनोद चंद्राकर जी सहित सब यहाँ उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण आए हुए सब हमार राजीव नवापारा धमतरी और सब हमारे अंचल से पूरा छत्तीसगढ़ से आए हुए सब हमार ये मेला में सब हमार श्रद्धालुगण सब बुजुर्ग मन माता मन बहन मन नौजवान साथी मन आप सब ल प्रणाम करत हम। आज बड़ा ये पवित्र जगह में माघी पुण्य की ये मेला में जब भी हमन यहां थन तो हमारा सुरता आ जाते बचपना के वो दिन जब हमन अपन माँ बाप के साथ में बैला गाड़ी में बैठ करके भर करके आवन यहाँ मेला में और दो दिन तीन दिन के राशन पानी लेकर के यहाँ मेला में आकर रुकन मेला लग घूमन। आज ये हमार छत्तीसगढ़ के आज धार्मिक और सांस्कृतिक हमार ये मेला आज यहाँ ये बात के एहसास होते अब हमार माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से कि आज हमारे ये छत्तीसगढ़ के हमार प्राचीन परंपरा हमार धर्म और संस्कृति की परंपरा ना हमार सरकार हमार मुख्यमंत्री जी है जोन तरह से फिर से वो रूप दी सब है जो नाम यहाँ नकली नामकरण होकर के महाकुंभ के आज वो का सहारा लेने की आवश्यकता पड़त रिशो मल्ला जबकि यही हमार हजारों लाखों साल से माघी पुण्य मेला के नाम से मेला हुए बोला फिर से हमार माननीय मुख्यमंत्री जी है माननीय हमार संस्कृति पर्यटन मंत्री जी है फिर से हमार माघी पुण्य मेला के नाम से हमारी आयोजन प्रतिस्थापित करी सब है और यहाँ हर हमारे छत्तीसगढ़ के धर्म और संस्कृति की झलक आज मिलत हवे। सिर्फ हमार ये आयोजन ही नहीं छत्तीसगढ़ के हर ती त्योहार ला हमार परंपरा ला धर्म संस्कृति की परंपरा ला आज लगत हवे कि पहली बार आज हमार छत्तीसगढ़ राज बने तो 19 साल हुए लेकिन आज पहली बार लागत हवे कि हमारे छत्तीसगढ़ राज आज हमारे धर्म संस्कृति के आज सम्मान होत हवे आज हमारे प्रदेश में। तो एक सारा यदि कोई सोच है विचार है और क्रियान्वयन के आज जो स्वरूप हवे तो हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी की आज ये वजह से आज हमारे फिर से आज हमारे संस्कृति आज बढ़ावा मिलत हवे जहां माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार संभालते ही सरकार के पद में बैठते ही हमारे किसान मन के
जो कर्जा ला माफी दे करके हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के किसान के चाहे वो 1,000 की कर्जा हो चाहे 10 लाख की कर्जा हो, सब किसान के कर्जा को माफ करके आज जो धान की कीमत 2,500 रुपये कुंटल तक करी, आज हमारे किसान मन में छत्तीसगढ़ के किसान में खुशहाली और समृद्धि आए है। आज हमारे मड़ई मेला मन में जो रौनक है, आज बाजार मन में जो रौनक हब है, और ऊपर पीछे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे किसान मन भर गरीब मजदूर मन भर जो फैसला हुए ओकर से ही आज हमारे खुशहाली और समृद्धि आज यहाँ दिखाई देवत हमें। हमन जब भी में रात तो याद आते पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज बने के बाद मैं जब यहाँ के धर्म से संस्कृति में मंत्री बने आदरणीय श्याम मैया कहीं देख तो बड़े जवाबदारी है कि राजिम पुण्य मेला ला राजिम लोचन महोत्सव के रूप में फिर से शुरुआत करा और उनका जैसे ही सपना ऋषभ है जैसे ही राज बने समय शुरू करा पा रहे हैं 2-3 साल आयोजन करा रहे हैं कि आज हमार फिर से यहाँ ये आयोजन भगवान श्री राजीव लोचन ऋषभ जी के पवित्र चरण में ये आयोजन एक होकर बाद पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो गलत दिशा में यहाँ आयोजन जात ऋषभ है आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से फिर से आज वही आज हमार परंपरा आगे बढ़ाए की जो प्रयास हुए एक जतक भी सराहना करे जाए वो कम हुई। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ही और निवेदन करबो पिछला सरकार के द्वारा स्थायी संरचना के रूप में जहां करोड़ों रुपया खर्चा हुए अस्थायी निर्माण पर स्थायी निर्माण पर कहीं कोई 1 रुपया के भी योगदान आज 15 साल के शासनकाल में नहीं हो सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निवेदन करी हूँ कि हमार पूरा देश भर से साधु संत महात्मा मनाते हमारे श्रद्धालु मनाते उकर रहे के लिए यह विभिन्न और भी मेला की आवश्यक अधोसंरचना विभिन्न धर्मशाला आदि के निर्माण पक्का स्थायी निर्माण हो ताकि हमार और भी आगे आज हमार मेला के हमार जो स्वरूप है और दिनों दिन आगे बढ़त रही और निश्चित तौर पर हमारा पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से आज पुनः हमारे राजीव मेला ला एक नवा आयाम मिली यहाँ तमाम सब अधोसंरचना विकास कार्य संपन्न हुई। यही मैं उनका से निवेदन करत हुए और आप सब ने पूरा प्रणाम करत हुए अपन बात दे मेरे विराम देव तो बोलिए भारत माता की छत्तीसगढ़ महताजी की उद्बोधन पर आमंत्रित करूं माननीय डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव विधायक सिहावा। बोले राजीव लोचन भगवान की। आज राजीव मांगी पुण्य मेला के उद्घाटन अवसर पर मंच पर मंचस्थ आदरणीय प्रदेश के मुखिया जन जन के नेता और छत्तीसगढ़ के कण कण समझैया आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी आदरणीय बड़े भैया श्री कवासी लखमा जी आदरणीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री चुन्नीलाल साहू जी आदरणीय श्री धनेन्द्र साहू जी आदरणीय मंच एवं यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं यहाँ विराजमान सबो इस क्षेत्र के सियान मन दीदी मन दाई मन बहनी मन और यहाँ पर मंचस्थ हमारे ब्रह्म ऋषि श्री कृष्णानंद महाराज जी आदरणीय श्री सुंदरदास जी महाराज जी आदरणीय साध्वी प्रज्ञा भारती जी आदरणीय सभी यहाँ पर उपस्थित संत महाराज। मैं सबसे पहले राजीव मांगी मुंडी पुण्य मेला की सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ
बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि 20 साल तक धोखे में रखकर करोड़ों रुपया बर्बादी के कागार पे समा गया, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के जनप्रिय नेता ने जनता की भावनाओं को समझा और जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ का विकास करने का, स्थायी विकास करने का प्रण किया है। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। न केवल विकास की सोच रखे बल्कि इस मेला में स्थानीय लोगों का कैसे विकास होगा, छोटे छोटे पौनी पसारी लोगों का विकास कैसे होगा, हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों का विकास कैसे होगा, हमारे लघु व्यापारियों का विकास कैसे होगा, इसके बारे में गंभीरता से निर्णय लिया। और यहाँ महीनों से हमारे वरिष्ठ मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बहुत गंभीरता से विचार किया, गहन अध्ययन किया और मेले को कैसे सुव्यवस्थित रूप दिया जाए, कैसे आकार दिया जाए, कैसे लोगों को सरलता से आसानी से पहुंच तक पहुंच सके, ऐसा सोच रखने वाले हमारे मंत्री ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है। और हमारे जितने भी विधायक गण है उन्होंने भी बहुत ही कठोर परिश्रम के साथ जो मेहनत किया है और इसको एक आकार दिया है और एक सपना जो हमने देखा था कि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो विरासत, जो हमारी धरोहर कैसी होनी चाहिए, जैसा हम सोच रखते थे वैसा होना चाहिए, इस विचार को लेकर को जो है विकास का नया आयाम दिया है। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत और आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और ज्यादा नहीं बोलते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संक्षेप आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित कर हूँ हमारे बीच उपस्थित महंत साध्वी प्रज्ञा भारती जी, संरक्षक वेद रतन सेवा प्रकल्प छत्तीसगढ़। नमस्कार गणराज को नमन शार देवा, नमस्कार श्री गुरु चरण लास तुम्हारे हाथ, नमस्कार धरती गगन नमन वायु जल जीव और नमस्कार तन मानवी मिलता बड़े नसीब। मंच पर विराजमान परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जी, तुम संतगण, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय संस्कृति मंत्री जी और संक्षिप्त उद्बोधन इसलिए कहना चाहती हूँ सम्माननीय मंच, आज राजिम मेले की शुरुआत माघी पुण्य मेले की माँ गंगा की आरती से हुई। एक बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, साधुवाद देना चाहती हूँ कि आज अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, ये राजगीत जो आपने यहाँ पर घोषणा की है और राजगीत हुआ, मैं अभिभूत हो गई, हृदय से आपको साधुवाद देती हूँ। वास्तव में नदियों के प्रति पूज्य भाव हमारे प्राचीन महर्षियों ने हमें सिखाया है, हमारा नैतिक कर्तव्य है नदियों की रक्षा करना, लेकिन नदियां जिस तरह से सूख रही हैं, ये असमय काल के गाल में समा जाने की नियति का प्रतीक है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि यदि हमने भावी पीढ़ी के हितों की रक्षा किए बगैर प्राकृतिक परिवेशों की रक्षा नहीं की तो ये एक प्रकार से सरेआम हिंसा का प्रदर्शन है। संपूर्ण विश्व में आज पर्यावरण की रक्षा के लिए एक व्यापक जन चेतना मुखर हुई है। इसी श्रृंखला में हम प्रतिवर्ष वेदरतन सेवा प्रकल्प के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के भरपूर सहयोग से माँ महानदी मैया की महाआरती कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भाव है मैं बहुत अभिभूत हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा राजिम कुंभ मेले में आना सार्थक हो गया। आदरणीय संस्कृति मंत्री जी की जो सोच, वो होते आदर्श,
छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती हुई धार्मिक परंपराओं की रक्षा जो उन्होंने अपने उद्देश्य में शामिल की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त उद्बोधन था, मुझे इस तरह से सम्मानित करके मंच पर बोलने का अवसर दिया। और प्रतिवर्ष शासन के द्वारा जो सहयोग मिलता है, इस वर्ष की आरती और भी दिव्य है, भव्य है। और जो उद्देश्य को लेकर हम वहाँ आरती करते रहे, वो उद्देश्य की छत्तीसगढ़ महानदी महतारी की छाती रेत छाती जो छलने नहीं की जा रही, उसके लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ शासन को मैं धन्यवाद देती हूँ। किसी उद्देश्य को लेकर हम ये महानदी मैया की आरती कर रहे हैं। उद्देश्य है केवल पूजा पाठ नहीं, हर हाल में नदियों के प्रति हम श्रद्धा का भाव रखें, मंदिर समझकर इनकी रक्षा करें। ये धरोहर ताउम्र आने वाली पीढ़ियों को जिलाए रखने में सक्षम रह सके, इसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विराजमान सभी सम्मानीय अतिथि बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, चार दिन नहीं, लगातार कई दिन आके मेला के व्यवस्था ला देखते आया के कौन मेरे साधु संबंध नही, कौन मेरे पब्लिक मन नही, कौन मेरे कार्यक्रम हुई, कौन मेरे किसी सड़क बनी, किसी पार्किंग हुई। उसने ये राजीव माघी पुण्य मेला के कांवर ल उठवैया उठा है, उसे हमारे मंत्री धर्मस्व मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी में आमंत्रित। त्रिवेणी संगम जहां राजीव लोचन भगवान विराजे हैं, भुवनेश्वर भगवान विराजे हैं, माता राजीव के नगरी जिला हम टीकन, वहां आज राजीव माघी पुन्नी मेला के पावन मेला में हमर बीच उपस्थित आचार्य महामंडलेश्वर अग्निपीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि श्री रामकृष्णानंद जी महाराज अमरकंटक ल सादर प्रणाम, सब संत महात्मा मन ल सादर नमन। मुख्य अतिथि के रूप में मंच में आसीन हैं हमर छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, मंच में आसीन है हमर मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यगण, आदरणीय अमरजीत भगत जी, आदरणीय कवासी लखमा जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, विधायक साथीगण आदरणीय विनोद चंद्राकर जी, डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी, वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, अमितेश शुक्ल जी, राम कुमार यादव जी, पूर्व सांसद आदरणीय चंदूलाल जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गिरीश देवांगन जी, गरियाबंद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बैसाखू राम जी, हमारे राजीव नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रेखा सोनकर जी, धनराज जी अध्यक्ष नगर पालिका गोबरा नवापारा, हमारे बीच उपस्थित हमार संत महात्मा गण आदरणीय साध्वी प्रज्ञा भारती जी, संत श्री गोवर्धन शरण जी श्रीकट्टी आश्रम, संत श्री विचार साहेब जी कबीर आश्रम नवापारा, ब्रह्म कुमारी पुष्पा बहन जी, ब्रह्म कुमारी हेमा बहन जी, संत श्री अनुसुईया दास जी, ब्रह्म कुमार नारायण भाई जी, राजमहंत वेदराम जोशी जी, संत रविन्द्र साहेब जी, हमर कमिश्नर चुरेंद्र जी, आईजी आनंद छाबड़ा जी, कलेक्टर गरियाबंद हावड़ी जी, एसपी गरियाबंद आहिरे जी, हमर बीच उपस्थित कलेक्टर धमतरी रजत बंसल जी, एसपी धमतरी बीबी राजभानु जी, सीओ जिला पंचायत गरियाबंद, सीओ जिला पंचायत धमतरी, डीएफओ धमतरी, डीएफओ गरियाबंद, उपस्थित सब सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, मंच में आसीन सब सम्मानित अतिथिगण,
हमारे केंद्रीय मेला समिति के सबो सम्मानित पदाधिकारीगण, स्थानीय समिति के पदाधिकारीगण, हमारे सबो अधिकारी कर्मचारीगण और ये स्थल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी मन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पीएचई, सब विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, मैं आज के अवसर में आप सब अतिथि मन के हृदय से स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ और उपस्थित जनमानस में बहुत बहुत बधाई दे हूँ। आज माघी पुन्नी मेला के शुभारंभ हो गए, 9 तारीख से लेकर 21 तारीख तक चली, 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख बड़े, आज माघी पुण्य स्नान, 21 तारीख के महाशिवरात्रि स्नान, 15 तारीख के संत समागम के, 16 तारीख जानकी, सब लगातार इसे बड़े पर्व चली। हमारे मुख्यमंत्री जी के सोच जिन दिन ये मुख्यमंत्री बने हैं वो दिन से विकास के काम तो अपन जगह, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ल अक्षुण बनाए रखे बार, आगे करे बार हर संभव प्रयास करे के आदेश और स्वयं होकर पालन, ये बड़े बात माननीय मुख्यमंत्री जी के है। हम ओखर निर्देश है कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति ल आगे करे के हर उपाय किए जाए। पिछले वर्ष सरकार बने के बाद पहली माघी पुन्नी मेला के आयोजन हमन करें, हमन ने जानकारी मिली कि यहाँ रेतील हटा के मुरुम सड़क बनाए जाते जो हमारे नदी के लिए खराब है। स्थानीय जनप्रतिनिधि मन के बताए के बाद तत्काल निर्णय लें, हमारे रेती के ही सड़क बनाए, मुरमी के नहीं बनाए। त्रिवेणी संगम कहे जाते हैं, स्नान के लिए भी त्रिवेणी संगम के एक जगह तीनों नदी के पानी के जमावड़ा करके त्रिवेणी संगम में स्नान की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ज्यादा ज्यादा स्वच्छता अभियान नदी में हो, गंदगी ना हो, टॉयलेट ना बने, ये पूरा पिछले वर्ष से ही शुरुआत करेगी। नदी में कहीं टॉयलेट के प्रश्न नहीं आना चाहिए। संत महात्मा मन के रुके के व्यवस्था, यज्ञ मंडप के व्यवस्था, सारा चीज के शुरू करेगी। ओखर बाद छत्तीसगढ़ के जब तक खेल है, बाटी भावरा से लेके, टीरी पासा से लेके, कौड़ी से लेके, फुगड़ी से लेके, सब खेल के प्रदर्शन पिछले वर्ष ये सामने के पंडाल में करेगी। पिछले साल के भांति यहू साल रखे गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी बताना चाहूँ, उपस्थित व्यक्ति मल्ल भी बताना चाहूँ, 3 दिन के जो प्रमुख आयोजन है ओकर अलावा प्रतिदिन हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 10 कार्यक्रम हो ही। पंथी नृत्य है, पंडवानी है, राउत नाचा है, डंडा नृत्य है, सुवन नृत्य है, फाग गीत है, जस गीत है, रामायण मंडली है, कर्मा है, नाचा गम्मत है। ये 12 बजे दिन से शुरू होके शाम तक चल ही और शाम के बाद 7 बजे के बाद मुख्य मंच में प्रमुख जो हमारे छत्तीसगढ़ के और बड़े बड़े कलाकार है तिकर मन के कार्यक्रम प्रस्तुत करे जाए। रोजाना इसे हम व्यवस्था करे हैं, जिसे 8-9 तारीख के दिलीप सडंगी जी, रितु वर्मा जी गोरेला, 10 तारीख के ममता चंद्राकर जी, 11 तारीख गोरेलाल वर्मन जी, 12 आरू साहू, दुष्यंत कर्मुख भिलाई, ऐसे प्रतिदिन प्रमुख मंच के कार्यक्रम हम अलग रखे हैं, ताकि वो कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल जब का है, स्थानीय हर प्रकार के वो कार्यक्रम यह हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ला पिछले साल व्यापारी मन हम लग कहें, दुकान वाले मन कि रेती रेती में सामान लाने हम लग सुविधा हो मोटरसाइकिल में रख के, तो हम ऐसा रहू एक व्यवस्था करें, बीच में हम फर्श लगा दे हैं
मेला के बाद हटा दे जाही और वो फर्श में अमन थ्री मिलर या हाथ ठेला से अपन सामान ले सके और बाया साइड से अमन रेटी में चल के यात्री जाही दाया साइड से यात्री आही। तो हर व्यवस्था अलग अलग चारों तरफ रेती के ही दूर दूर जितना दूर तक लाइट दिखत है सब तरफ रेती के ही सड़क बने सब तरफ कुंड है सब तरफ पानी पिए के व्यवस्था चारों तरफ मेला व्यवस्था में पूरा व्यवस्था हर चीज के रखेगी है। तो कहीं पर भी हम अपन डहर ले कोशिश करें हन और ये साल एक नया चीज और करे हन हम कि जिसे आज पंच सरपंच सम्मेलन रखे रहे तो एक दिन और बाद आदिवासी सम्मेलन होगी तो एक दिन और कुछ मितानी मन के सम्मेलन होगी ऐसे एक दिन शिक्षा के सम्मेलन होगी अलग अलग दिन अलग अलग सम्मेलन के भी हम कार्यक्रम रखत गए हैं ताकि ओकर अनुसार हमार कार्यक्रम मन लगत जाए। इसे कल 10 तारीख के किसान सम्मेलन के आयोजन होगी हमार 11 तारीख के खेलकूद के प्रतियोगिता के आयोजन होगी हमार 12 तारीख के वन समिति के सम्मेलन होगी 13 तारीख के फिर छत्तीसगढ़ के खेलकूद प्रतियोगिता होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी बताना चाहूँ कि हम स्कूल मन के लड़का के भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के समावेशन करेंगे हम 14 तारीख के युवा सम्मेलन कर और हर सम्मेलन में अलग अलग मंत्री मंडला माननीय मंत्री मंडला हमन मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करथन जिसे खेल के होली 14 के तो वो दिन हमन हम माननीय खेल युवा कल्याण मंत्री ला आमंत्रित करथन हमार मंत्री जिसे वन समिति के है तो वन मंत्री लो दिन आमंत्रित करथन ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग हमन कार्यक्रम रखत जाथन। 18 तारीख के बिहान आजीविका सम्मेलन ऐसे हमन रखत जाथन आदर सामूहिक विवाह भी रखत हन 16 तारीख माननीय अनिला भेड़िया जी ला वो दिन हमन आमंत्रित करत हन ऐसे कार्यक्रम ला भी हमन ये साल कुछ परिवर्तन करे हन ताकि सब अलग अलग ढंग के कार्यक्रम यहाँ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के अनुसार पिछले बार जब भी उल्लेख अमितेश जी करी समर साहू समाज के सम्मेलन रही माननीय मुख्यमंत्री जी आए रही तो अपन तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के बात में करी कि अतेक पुराना सैकड़ों साल पुराना मेला स्थल है मेला लगते दूसर के जगह में लगते नदी में लगते बारिश आ गए बाढ़ आ गए तो मेला स्थल यहाँ चयन किए जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश करी कि अगर सरकारी जमीन है तो देखे जाए न हो तो निजी जमीन चाहे सरकार के जब तक पैसा लगे बोला खरीदे जाए और मेला स्थल के रूप में बोला चिन्हांकित करे जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ला बताना चाहूँ कि कलेक्टर धारवे जी जगह देख रहे हैं सरकारी जगह है तो बहुत बड़े लेकिन लगभग 21 से 25 एकड़ जगह मेला स्थल के लिए आपके सोच के अनुरूप आरक्षित करे जाते हैं। आदरणीय प्रज्ञा भारती जी अभी नदी के विषय में बात करत रही हैं अच्छा लगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच मैं आदरणीय प्रज्ञा जी ने बताना चाहूँ राजगीत के जन बात ऐसे है लेकिन एकर से अलग हट के भी आप सब कुछ सही समझ रहे हैं एकर से अलग हट के भी माननीय मुख्यमंत्री जी एक छन नारा दे है हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी नरवा माने नाला गरवा माने गाय पूरा जानवर घुरवा माने खाद गड्ढा स्वच्छता बारी माने सब्जी बारी केमिकली सब्जी के बजाय शुद्ध सब्जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट निर्देश करे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जितना नदी नाला है वो सब के संवर्धन करना है सब में स्टार्ट डे में निकट बनना है सब में पानी के भराव होना चाहिए सब में स्वच्छता हो ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी करे हैं और वो दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार पूरा प्रदेश में काम चालू कर दी। धर्मस्व आप मन सब संत महात्मा मन बैठे हो धर्मस्व विभाग के तहत एक विभाग लेकिन कोनो अधिकारी कर्मचारी एको जन नहीं रही माननीय मुख्यमंत्री जी अभी
अलग से डायरेक्टरेट बनाए के अनुमति दे रहे हैं धर्मस्व विभाग, अलग डायरेक्टरेट बन ही धर्मस्व विभाग के, और पूरा जितना मंदिर है पूरा छत्तीसगढ़ में ओकर रख रखाव जीर्णोद्वार नवा निर्माण सब काम धर्मस्व विभाग के द्वारा हो ही, डायरेक्टरेट के नया बनाए के सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिल गए। ये मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ, समय देख के मैं अपन वाणी विराम दे के पहली मैं सबो अधिकारी कर्मचारी मतलब सब विभाग के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और एक आग्रह भी करता हूँ कि आज शुरुआत 21 तारीख तक मेला में अवैया कोनो यात्री ला कोनो प्रकार के असुविधा ना हो, हमार संत महात्मा मल्ला कोनो प्रकार के असुविधा ना हो, वो व्यवस्था पूरा रहे, पुलिस प्रशासन से लेके जिला प्रशासन हर विभाग सब अपन जिम्मेदारी पिछले वर्ष के भांति ओकरों से अच्छा जबका हो सके आज सब लग करना है, ये आप सबसे आग्रह करब। केंद्रीय मेला समिति स्थानीय समिति के भाई बहनी मन से निवेदन कि आप मन अपन जिम्मेदारी समझ के दिन रात सावधानी बरत के ध्यान दो, ये आप सबसे निवेदन। मैं ओखर बाद अपन वाणी विराम करे के पहली फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके सोच छोटे से छोटे बारीक से बारीक चीज में आपके नजर और ओकर अनुरूप हमारे निर्देश काम करे में हमारे संबल मिलते आपके निर्देश से, हम कुछ अच्छा कर पाथन आपके सुझाव आपके आदेश से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, और छत्तीसगढ़ के संस्कृति छत्तीसगढ़ के लोगन मन के हित जिन आप एक साल और 12-13 महीना में करे हो आप लोग बहुत बहुत बधाई देता हूँ, छत्तीसगढ़ के जनता के आशीर्वाद आपके साथ है, उनका दुआ आपके साथ है, यही सादर भावना के साथ फिर से आप सबके अभिनंदन करब, मैं अपन बात समाप्त करत हूँ, धन्यवाद, जय हिंद जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं आशीर्वचन पर निवेदन करूं आचार्य महामंडलेश्वर अग्निपीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि श्री राम कृष्णानंद जी महाराज जो पधारे हुए अमरकंटक में, वो अपन आशीर्वचन हमल प्रदान करें। इधर पहले बता रहा हूं जो कोनो इधर नहीं है वो मन अपन घर में कवर कर सकते है कि हमारे यूट्यूब जो है YouTube खोलियो माघी पुन्नी मेला राजिम 2020 माघी पुन्नी मेला राजिम 2020 YouTube में ये प्रोग्राम लाइव चला थे, रोज लाइव चल ही है। अभी हमारे अग्निपीठाधीश्वर के उधर आशीर्वचन भी प्राप्त कर दो मुख्यमंत्री जी के बीच उनसे बता दो, फेसबुक पेज में है राजिम माघी पुन्नी मेला 2020 राजिम माघी पुन्नी मेला 2020 फेसबुक पेज में भी जीवन प्रसारण देखे जा सकते हैं। लोकल विराम अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अमर अतिथि मंच से निवेदन करूं विराजी लोचन ओम शुभम करो कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि नाश माननीय मुख्यमंत्री की और सब अमर अतिथि मंच से निवेदन करूं विराजी लोचन ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाश प्रेम समशरम पासम मुदाभिप्रतिम श्री चक्रस्थित सुंदरीम प्रगताम आधार भूताम भजे। सबसे पहले मानव वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार प्रभु नाम की श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
பசுபக்ஷி அதெல்லாம் மக்கா பிராணியமே விஸ்வ கா கோ மாதா கி சமஸ்த பாரதமே கோ ஹத்யா தர்ம சம்ராட் ஜெகதுரு சங்கராச்சாரிய பகவான் கி தர்ம சம்ராட் ஜோதிஷ்நீதாதீஸ்வர மகாராஜ் கி தர்ம சம்ராட் துவாரிகா சாரதா பீடாதீஸ்வர மகாராஜ் கி பஞ்சவினி பீட் கி காயத்ரி மாதா கி அமர்கண்டக தாம கி சனாதன் தர்ம கி ராஜீ விலோச்சன் பகவான் கி குலேஸ்வர பகவான் கி ஹர ஹர மகாவீர். माही पुण्य मेला के परम पावन पूर्ण अवसर पर हमारे बगल में विराजमान आदरणीय साथी प्रज्ञा जी, समादरणीय संतवृंद, इस प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी, संस्कृति मंत्री भाई तामनाथ भाई साहू जी, आदरणीय शुक्ला जी, सब आदरणीय छत्तीसगढ़ शासन के सभी वरिष्ठ मंत्री मंत्रीगण विधायकगण और जितने भी प्रतिष्ठित महानुभाव आए हैं, समादरणीय पत्रकार बंधु, शासन प्रशासन के अधिकारी बंधु, धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, परम वात्सल्य में माताओं, आज के अवसर पर हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे प्रज्ञा जी ने नदी की महानदी की चर्चा की, आरती की, तो हमारे यहाँ ये आरती जो है, आप इसे साधारण रूप में न लें, ये निराकार ब्रह्म की उपासना है। हमारे यहाँ जल ही जीवन है, तो निराकार ब्रह्म की उपासना है। अभी लगभग दो ढाई महीने पहले ज्योतिषपीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के जगदगुरु शंकराचार्य जी का जो रायपुर स्वागत हुआ था, आदरणीय बघेल जी मिले थे, तो इन्होंने अपनी योजनाएं जो बताई कि नरवा, गुरुआ, धुरुआ और वाली, परम पूज्य महाराज श्री बड़े खुश हुए कि जहां आज के लोग पश्चिम की दौड़ दौड़ रहे हैं, वहां आज प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर पुरानी संस्कृति की ओर उलट के देख रहा है, ये बहुत गौरव की बात है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और हम चाहेंगे कि अभी बता रहे थे लोग कि मुख्यमंत्री जी बैलगाड़ी में बैठना चाह रहे थे। आपको बता दें, जितने भी मेला पहले भरते थे, उन मेलाओं में सबसे पहले लोग बैलगाड़ी में ही आते थे। मेले में बैलगाड़ियों के से मेले की शोभा थी। आज अगर ये सरकार उन साड़ों और बच्चों की गेहूं की ध्यान और आकर्षित करती है, तो साड़ुवाद की पात्र है, क्योंकि आजकल गली गली पर साड़ घूमते हैं, कोई उनका धनी धोरी नहीं है। अगर उनको संवर्धन होता है तो वस्तुतः साड़ुवाद की पात्र है। वस्तुतः जो आपने बताया कि बारिश के जल से जो नाले हैं उनमें जल का स्टॉक करेंगे, उससे कृषि का कार्य भी होगा, उसके साथ ही साथ जो हमारे पशु पक्षी हैं उनका भी जीवन चलेगा, उनको भी उनकी प्यास बुझेगी। लोगों को हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है, जो गुरुवार की बात कही, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में हम लगभग 1981 से आ रहे हैं। हमने पहले देखा था कि गांव में बहुत बड़ी जमीन ऐसी पड़ी रहती थी और उसमें सैकड़ों गाय, सैकड़ों बैल ऐसा चरते थे। तो गोचर भूमि की रक्षा होना चाहिए, गोवंश की रक्षा होना चाहिए। भारत सबसे बड़ा गोवंश का निर्यात देश है, इस देश से गो हत्या का कलंक दूर होना चाहिए। गुरुआ, अगर आपकी योजना में है तो वस्तुतः आप साधुवाद के पात्र हैं। वो गुरुआ स्वच्छता, आपने देखा गांव में पहले लोग खुद ही, कौन वहां सफाई करने वाला रहता था, खुद ही लोग अरहर की काड़ी का कोर झाड़ू बना करके लोग झाड़ू लगाते थे और साफ करके एक जगह स्थान पर डालते थे। वो खाद भी बनता था, स्वच्छता भी रहती थी गांव में, और वस्तुतः उस स्वच्छता गंदगी से, क्योंकि नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं, स्वच्छता की ओर आपका ध्यान दिया, इसलिए बहुत बड़ी बात है।
आजकल यूरिया और नाना प्रकार के केमिकल और रासायनिक खादों के कारण जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है और जो स्वाद पहले गोबर की खाद से, चाहे वो अनाज हो चाहे वो सब्जियां हो, जो स्वाद था अब तो पता ही नहीं चलता। पहले कम से कम अगर एक आध दो खेत दूर अगर धनिया की बोनी करते थे तो हवा चलती थी तो पता चलता था कि यहाँ पर धनिया बोई, अब तो सब्जी में डाल दो तो पता नहीं चलता कि क्या है। ये रासायनिक खाद की देन है। अगर आपका प्रयास ये बाड़ी के माध्यम से स्वच्छ गोबर की खाद के माध्यम से लोगों को अगर सब्जी मिलती है तो उसके स्वास्थ्य पर भी असर आएगा, तो ये आपकी जो योजनाएं हैं निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी हैं। और जो शुक्ल जी ने कहा कि कम से कम 15 दिन यहाँ पर नशा नहीं होना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री को कि दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं वो नशा के कारण होते हैं, इसलिए अपराध बोध जब तक नहीं होगा व्यक्ति अपराध करना बंद नहीं करेगा, इसलिए उसके लिए नशा मुक्त समाज होना चाहिए। इसके लिए हम तो 15 दिन की बात करते ही नहीं, लोग कहते हैं महाराज इसी में सबसे ज्यादा कमाई होती है, हम तो कहते हैं अगर वस्तु का